जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के शार्ट क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.1 है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को आपने क्या समझा है? तो विस्कोसिटी आपको पता है कि कोई भी मीडियम है या फ्लूड है कोई भी, उसकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है उसका नाम हमने रखा हुआ विस्कोसिटी। द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड। विस्कोसिटी जो है वो मेजर करती है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ फ्लूड ओवर एन अदर लेयर। जब फ्लूड फ्लो करता है तो उसकी एक लेयर के ऊपर दूसरी जो है वो स्लाइड कर जाती है, इस वजह से फ्लो कर रहा होता है। तो अगर उन लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो फिर वो इजीली स्लाइड नहीं कर सकेंगी। और अगर वो इजीली स्लाइड नहीं कर सकेंगी तो फिर वो फ्लूड जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर सकेगा। जैसे हमने कहा हनी जो है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे ही ग्लैसरीन है ज्यादा होती है, वो इतना ज्यादा फ्लो नहीं कर सकती विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, गैसोलीन है। तो ये जो है हमारे पास ऐसी अल्कोहल है, ये कम विस्कस है विद रिस्पेक्ट टू हनी। तो हनी जो है वो मोर विस्कस है, वो कम फ्लो करता है। तो विस्कोसिटी यही बताएगी कि फ्लूड जो है वो कितना आसानी से फ्लो कर सकता है, कितना आसानी से फ्लो नहीं कर सकता, इसके बारे में। और इसको हम कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी की टर्म में मेजर करते हैं, ईटा की टर्म। और इसके यूनिट्स जो है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम पे, मीडियम टू मीडियम वेरी करेगी। जैसे एयर भी मीडियम है, ऐसे ही उसके बाद वाटर है, गैसोलीन है जैसे पेट्रोल वगैरह है, ऐसे ही फिर हनी है, ग्लिसरीन है, कोल टार है, तो सारे डिफरेंट मीडियम्स हैं जिनकी विस्कोसिटी डिफरेंट है। ऐसे फिर ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। जैसे हमने कहा कि अगर लिक्विड्स हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उनके दरमियान जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है, और गैसेज का टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। इसको हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6.2, वट इज मीन्ड बाई ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या है? वट आर द फैक्टर्स अपॉन विच ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग डाउन थ्रू अ लिक्विड डिपेंड। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? और साथ में यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखो। तो ड्रैग फोर्स जो है, अब कोई ऑब्जेक्ट है जब फ्लो करता है या मूव करता है, सॉरी, किसी फ्लूड में, तो उसके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स लगती है उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। और ड्रैग फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आप स्लो स्पीड से गाड़ी में जा रहे हैं, बहुत स्लो जा रहे हैं, आप शीशा नीचे करें और हाथ बाहर निकाल लें, आपके हाथ पे बहुत कम हल्की सी फोर्स आपको फील होगी एयर की। लेकिन अगर वही गाड़ी अगर ज़्यादा स्पीड से जा रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, आप शीशा नीचे करो, हाथ बाहर करो, तो आपके हाथ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो फ्लूड रिटार्डिंग फोर्स लगाता है, और स्पीड जितनी ज़्यादा होती जाएगी ऑब्जेक्ट की, उतनी जो है वो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करती जाएगी। और मैथमेटिकली हम स्टोक्स लॉ की मदद से लिखते हैं ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 pi eta r। और ड्रैग फोर्स ईटा पे भी डिपेंड करती है, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पे। जो मीडियम ज्यादा विस्कस होगा उसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ऑब्जेक्ट अगर कम विस्कोसिटी वाले मीडियम में मूव करेगा तो कम ड्रैग फोर्स लगेगी। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास एक बाल है, हार्ड बाल है या कोई बंटा है, छोटी बाल है, उसको आप गिरने दें, फ्री फॉल मोशन करवा दें आप एयर में, अगर वो फॉल करेगा तो ज्यादा तेजी से फॉल कर जाएगा, क्योंकि एयर की ड्रैग फोर्स कम है, बहुत कम है उस बंटे।
लेकिन अगर वही बाल जो है उसको आप वाटर में फॉल करने दें, वाटर सरफेस पे रखें और वाटर में वो फ्लो करे नीचे की तरफ, फिर आप देखोगे कि वो स्लोली मूव करेगा। वो स्लोली मूव क्यों करेगा? क्योंकि उसके ऊपर वाटर जो है, जो फ्लूड है, वो रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगाएगा। ऐसे ही अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को हनी में यानी शहद में उसको रख दें, शहद में वो नीचे की तरफ मूव करता है तो और स्लोली करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब है ड्रैग फोर्स विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट का साइज अगर ज्यादा है तो ड्रैग फोर्स भी ज्यादा लगेगी। और तीसरा पॉइंट है, वो डिपेंड करती है स्पीड पे, जो हमने डिस्कस किया। स्पीड ज्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगी। इस तरह तीन जो इसके फैक्टर्स हैं मेन, तीन पे ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। नेक्स्ट है 6.3 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। आपको ऐसा फील क्यों होता है कि जो फॉग ड्रॉपलेट्स हैं वो सस्पेंड हुए पड़े हैं एयर में? ऐसा क्यों फील होता है? सस्पेंड क्यों हो जाते हैं ये, कह लो? तो आप ये कहेंगे कि भाई हमें ये पता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो mg ओवर 6 पाई ईटा आर के बराबर, या आप जी ओवर 6 पाई ईटा आर इंटू एम कह लो, या आप कह लो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये आपने पढ़ा हुआ है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बराबर हो जाए ड्रैग फोर्स के तो mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, और टर्मिनल वेलोसिटी अगर गेन कर ले तो 6 पाई ईटा आर वी टी। यहां से आप वी टी फाइंड कर सकते, तो वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक और चीज आप सीख, हमने टर्मिनल वेलोसिटी वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें ये फार्मूला हमने बनाया था कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो जी एम ओवर 6 पाई ईटा आर पे डिपेंड करती है। अगर जी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा वो ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा किसी मीडियम के अंदर, स्मॉल मास होगा तो कम वेलोसिटी गेन करेगा। सपोज करें वाटर ही, वाटर के अंदर ही आप फॉल करते हैं ऑब्जेक्ट को, और अगर उसका मास कम है तो स्पीड जो है वो कम गेन करेगा, और अगर उसका मास ज्यादा है तो वो ज्यादा स्पीड गेन करेगा, और जिसका मास कम होगा वो कम स्पीड गेन करेगा। तो चूंकि फॉग ड्रॉपलेट बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है तो स्मॉल मास की वजह से उसकी टर्मिनल स्पीड भी या टर्मिनल वेलोसिटी भी बहुत कम होती है, इसलिए हमें ऐसे लगता है कि वो सस्पेंड हो गया है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 6.4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको डिटेल में कि लेमिनार फ्लो जो है ऐसा फ्लो है जिसमें एवरी पार्टिकल दैट पासिस थ्रू अ पॉइंट मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ एज फॉलोड बाय द पार्टिकल व्हिच पासिस दैट पॉइंट अर्लियर। बहुत स्मूथ फ्लो होता है और स्ट्रीम लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करती, ठीक है। तो दूसरा होता है टर्बुलेंट, वो इरेगुलर फ्लो होता है, इसमें जो है वो पाथ को आप डिटरमिन नहीं कर सकते किसी पार्टिकल के, और ऐसे ही इरेगुलर फ्लो होता है। तो अबाव अ सर्टेन वेलोसिटी पे जाके जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है या अनस्टेडी से हम कहते हैं। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 6.5 जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में, इस तरह 6.6 भी शामिल नहीं है। लेकिन जो 6.6 है हमने डिस्कस भी किया था कि बर्नौली इक्वेशन जो है उसका एक एस्पेक्ट ये भी है, उसका एक रिजल्ट ये भी है कि अगर कोई आदमी फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़ा हो जाएगा तो खतरा है कि वो ट्रेन की तरफ गिर जाए। क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा होने की वजह से, ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ट्रेन के पास जो एयर है उसकी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी और वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो बैक साइड पे आदमी के जो स्पीड है एयर की कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगेगी और वो आदमी ट्रेन की तरफ गिर सकता है। ऐसे 6.7 जो है वो शामिल नहीं है, 6.8 शामिल है जी। टू रोबोट्स
मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर. एक्सप्लेन करो. कहता है दो रो बोट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दो कश्तियां हैं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और वो आपस में कोलैप्स होने के चांसेस हैं उनके, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के चांसेस हैं, करीब आ जाएंगी. क्यों? कहता है बर्नौली इक्वेशन ने हमें बताया है कि जब स्पीड ज्यादा होती है फ्लूड की तो प्रेशर लो हो जाता है. स्पीड ऑफ वाटर बिटवीन द रो बोट्स इंक्रीजेस सो द प्रेशर बिटवीन द रो बोट्स डिक्रीजेस. द ग्रेटर प्रेशर ऑन द अदर साइड्स ऑफ द बोट्स पुशेस द बोट टूवर्ड्स ईच अदर, हेंस द बोट्स आर पुल्ड टूवर्ड्स ईच अदर. मतलब यही है कि इनके दरमियान में स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये स्पीड लार्ज हो जाएगी, दरमियान में प्रेशर कम हो जाएगा बाहर वाले प्रेशर की, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ इन बोट्स के ऊपर फोर्स लगेगी, इस वजह से ये कोलैप्स कर सकते. आपने देखा है या सुना है कि आंधी चलने की वजह से लोगों के घरों की छतें उड़ जाती हैं. हमारे घर तो इस तरह के नहीं बने हुए कि छतें जो है वो काफी मजबूत बनी हुई, जिन इलाकों में जैसे पहाड़ी इलाके हैं वहां पे छतें इतनी मजबूत नहीं होती, टीन वगैरह की अगर बनी हुई है तो उनके उड़ने के चांसेस होते हैं अगर वो सही तरह से कनेक्ट नहीं है, वो क्यों उड़ जाती है? वहां भी यही बर्नौली इफेक्ट, बर्नौली इक्वेशन का रिजल्ट है कि हाई स्पीड से जब हवा चलती है तो बाहर प्रेशर अपवर्ड प्रेशर कम हो जाता है. हालांकि होना तो ये चाहिए था कि छत प्रेस हो जाती नीचे बैठ जाती, बल्कि वो तो ऊपर की तरफ उड़ जाती. वो इसी वजह से उड़ती है क्योंकि ऊपर हाई स्पीड से जब गुजरती है हवा तो प्रेशर लो हो जाता है, अंदर वाली साइड पे कमरे के अंदर जो है प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ एक फोर्स लगती है तो उड़ने के चांसेस है छत. नेक्स्ट पॉइंट है, अगर वो सही तरह से जो है वो कनेक्टेड नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो उसके उड़ने के चांसेस हैं. ऐसे 6.9 क्वेश्चन है बेटा. कहता एक्सप्लेन हाउ स्विंग is produced in a fast moving cricket ball. Fast moving cricket ball है, इसमें swing कैसे produce होता है? ये हमने last lecture में हमने ये discuss किया है कि bowler जो है वो cricket ball को क्या करता है, swing करके या spin करके भेजता है तो swing produce हो जाता है. दूसरा अहम चीज हमने लिखी है कि रफनेस होनी चाहिए बाल के ऊपर. कहता है बॉलर मेक्स इट्स वन सरफेस शाइनिंग फ्रॉम विच एयर पासिस विद हाई स्पीड व्हाइल ऑन अदर साइड ऑफ बॉल इज रफ. आप देखते हैं कि बॉलर जो है वो अपने ट्राउजर के साथ बाल को रब कर रहा होता है तो वो उसको शाइन कर रहा होता है, एक साइड प्लेन कर रहा होता है. वो जो साइड ज्यादा शाइन हो जाती है, ज्यादा प्लेन हो जाती है, उस साइड पे स्पीड जो है वो हाई हो जाएगी और दूसरी साइड पे स्पीड कम हो जाएगी एयर की, क्योंकि दूसरी साइड जो है वो रफ है, रफ जो है वो स्पीड को ज्यादा चेंज करेगी. तो एक साइड पे स्पीड हाई होने की वजह से प्रेशर लो हो जाएगा, तो प्रेशर लो होगा तो हाई से लो की तरफ स्विंग प्रोड्यूस होगा, तो इस तरह जो है अगले खिलाड़ी को डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए या उसको चकमा देने के लिए ये तरीका यूज किया जाता है, स्विंग प्रोड्यूस किया जाता है. ऐसे ही 6.10 है. कहता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल. कहता है बर्नौली प्रिंसिपल को यूज करके आप जरा कार्बोरेटर ऑफ कार जो है उसकी वर्किंग समझाएं. तो कार्बोरेटर ऑफ कार आपको मैंने बताया है लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि भाई इस तरह से ही काम करता है कि यहाँ पे स्लो स्पीड है एयर की और यहाँ पे ज्यादा हो जाती एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से. जब स्पीड ज्यादा होती है तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है तो फ्यूल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, ऐड होना शुरू हो जाते हैं एयर में, तो मिक्स होना शुरू हो जाता है. तो एयर ड्रॉन थ्रू द डक्ट, विंचुरी डक्ट भी से कहते हैं, along the pipe to the cylinders. A tiny inlet at the side of duct is fed with petrol. Ye tiny inlet hai jahan se petrol nahi aana. The air through the duct moves very fast, creating low pressure in the duct, which draws petrol. To petrol draw hota rehta hai.
पेट्रोल को वो खींचती रहती है लो प्रेशर होने की वजह से इनटू द स्ट्रीम्स, तो एयर स्ट्रीम्स में पेट्रोल मिक्स होता रहता है। तो कार्बोरेटर ऑफ कार जो है वो करेक्ट मिक्सिंग ऑफ एयर एंड पेट्रोल उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 6.11, ये शामिल नहीं है। ऐसी 6.12 जो है ये भी शामिल नहीं है। कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हैं जैसे आप बना सकते हैं, स्टेट स्टोक्स थ्योरम विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, उसकी लिमिटेशंस बताएं। स्टोक्स थ्योरम आपको पता है कि स्टोक्स थ्योरम जो है ये बताता है ड्रैग फोर्स को, किसी सफियर पे जिसका रेडियस आर हो, स्पीड वी से मूव करे किसी विस्कोसिटी वाले मीडियम में फ्लूड में, तो फिर उस पर जो ड्रैग फोर्स लगती है वो इस फार्मूले से निकलती है। और इसकी लिमिटेशंस है आपको पता है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्लो मूव कर रहे हों तो तब ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट टोरिसेली थ्योरम। तो टोरिसेली थ्योरम भी आपको आना चाहिए, ये एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। टोरिसेली थ्योरम जो है वो स्पीड ऑफ इफ्लक्स बताता है, वो बराबर होती है इक्वल टू वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फ्लोइंग थ्रू द डिस्टेंस h1 - h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो v2 इज इक्वल टू 2gh1 - h2 स्क्वायर रूट। ये हमने फार्मूला ड्राइव भी किया हुआ है, इसके ऊपर डिटेल में हमने डिस्कशन क्यों भी है। ऐसे ही मैथमेटिकल फॉर्म हमने इसकी ये लिख ली और उसके बाद एप्लीकेशन, और ये अप्लाई होता है स्पीड ऑफ अ फ्लक्स मूव करने के लिए स्मॉल ऑरिफिस। नेक्स्ट है विंचुरी इफेक्ट क्या होता है और विंचुरी मीटर क्या होता है। तो विंचुरी इफेक्ट आपको पता है, रिलेशन डेवलप बाय विंचुरी बिटवीन द स्पीड ऑफ फ्लूड एंड प्रेशर, प्रेशर और फ्लूड के दरमियान जो रिलेशन बनाई थी विंचुरी साहब ने, और वो यही थी कि भाई डिक्रीज हो जाता है प्रेशर जब स्पीड ऑफ फ्लूड इंक्रीज हो, तो इसी का नाम विंचुरी इफेक्ट है। और इसकी मैथमेटिकल फार्मूला आप लिख लें, p1 - p2 = ½ρ v2² और विंचुरी मीटर क्या होता है, ये डिवाइस है जो कि स्पीड ऑफ फ्लूड को डिटरमिन करता है। नेक्स्ट एक पॉइंट है जी, हाउ एन एरोप्लेन इज लिफ्टेड अप इन एयर। पिछले लेक्चर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ दोबारा आप देख लें इसको। भाई आपके पास एयर है और इसने फ्लो करना है विंग के ऊपर और नीचे से। विंग को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ऊपर का सरफेस एरिया ज्यादा हो गया है, इसको कर्व्ड कर दिया है, तो यहाँ से एयर दो हिस्सों में डिवाइड होगी, स्प्लिट हो जाएगी, इस ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में। नीचे वाला हिस्सा स्मूथ है तो वो स्लोली मूव करती रहेगी, ऊपर वाला हिस्सा कर्व्ड है तो एयर को ज्यादा डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ फिर उन्होंने मिल जाना है एयर पार्टिकल्स, तो यहाँ से ज्यादा फासला कवर करना है तो ज्यादा तेजी से मूव करेगी। जब ज्यादा तेजी से मूव करेगी तो ऊपर स्ट्रीम लाइन्स क्लोजर हो जाएंगी, क्लोजर होने की वजह से एयर प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे एयर प्रेशर ज्यादा है तो डाउनवर्ड फोर्स भी लग रही है एयर के ऊपर, ठीक है, ये जो विंग लगा रहा है। और अपवर्ड फोर्स किस पे लग रही है, प्लेन के ऊपर, तो प्लेन के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी प्रेशर ऊपर कम होने की वजह से, हाई से लो प्रेशर की तरफ अपवर्ड एक फोर्स लगेगी जो उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया। अल्लाह हाफिज़।